नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है गौरव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सीरीज माता के नौ रूप में। तो आज हम आप सभी को बताएंगे देवी दुर्गा के सातवें रूप माँ कालरात्रि के बारे में। तो बने रहिए विश्वरंगा भक्ति के साथ। नवरात्रि के सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। काल हिंदी में समय के साथ साथ मृत्यु को भी संदर्भित है, और जबकि रात्रि, जिसका अर्थ होता है रात या अंधकार, माँ कालरात्रि वो है जो अंधकार को समाप्त करती है। उन्हें प्यार से माँ काली भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि देवी दुर्गा का सबसे भयानक रूप है। इस रूप में उनका रंग रात की तरह काला है और उनके बाल खुले हुए हैं। इस अवतार में उनकी चार भुजाएं हैं। वह अपने पहले हाथ में वह एक कैंची धारण करती है, अपने दूसरे हाथ में वह एक तलवार धारण करती है, और अपने तीसरे और चौथे हाथ से अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। उनके तीन नेत्र हैं। वो जब भी सांस लेती है उनके नथुने से आग की लपटें बाहर निकलती हैं। उनके गले का हार इस प्रकार चमकता है जैसे रात में चांद चमकता हो, और इस अवतार में उनका वाहन एक गधा है। माँ कालरात्रि को शुभंकरी भी कहा जाता है, क्योंकि वो अपने भक्तों के लिए शुभ फल लाती है। देवी दुर्गा के इस भयानक रूप के पीछे कई दिलचस्प कहानियां हैं। एक बार शुंभ और निशुंभ नाम के दो राक्षस हुआ करते थे। उनका नमुची नाम का एक भाई था, जिसका देवराज इंद्र ने एक युद्ध में वध कर दिया था, जिसके प्रतिशोध में उन्होंने देवलोक पर हमला करने की ठानी, और इसमें उनका साथ दिया चंडा, मुंडा और रक्तबीज ने। इन सब ने मिलकर देवलोक पर हमला कर दिया और देवराज इंद्र और सभी देवताओं को युद्ध में हरा कर स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। तब देवराज इंद्र और सभी देवता हिमालय पर्वत की तरफ बढ़े। उन्होंने वहां देवी पार्वती से सानी कहानी बताई और इस समस्या का निवारण करने को कहा, और देवराज इंद्र ने अपना राज्य वापस पाने के लिए देवी पार्वती से निवेदन किया। तब देवी पार्वती ने माता चंडी का रूप धारण किया और युद्ध के मैदान में राक्षसों से लड़ने के लिए पहुंच गई। तब शुंभ और निशुंभ ने दो राक्षसों को भेजा, चंडा और मुंडा। जब देवी चंडी ने चंडा और मुंडा को देखा तो मुंडा से लड़ने के लिए उन्होंने एक और देवी की रचना की, माता काली, और देवी चंडी और माता काली ने मिलकर चंडा और मुंडा का वध कर दिया, और तभी से वे दोनों चामुंडा नाम से भी जाना जाने लगी। चंडा और मुंडा के मरने के बाद शुंभ और निशुंभ ने युद्ध के मैदान में रक्त बीज को भेजा। रक्त बीज को भगवान ब्रह्मा द्वारा वरदान था कि जैसे ही उनके खून की एक भी बूंद जमीन पर गिरेगी, उन्हीं के समान एक और राक्षस उत्पन्न हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जैसे ही उनके खून की बूंद एक भी जमीन पर गिरेगी, उनके खून की बूंद उनके लिए एक बीज का काम करेगी और उन्हीं की तरह एक और राक्षस उत्पन्न हो जाएगा। जब देवी काली ने इस समस्या को देखा तो वे समझ गई, जब तक उसके खून की बूंद जमीन पर गिरते रहेगी उसे मारना असंभव है। तब उन्होंने रक्त बीज का खून पीना शुरू कर दिया और इस प्रकार उन्होंने रक्त बीज का अंत कर दिया और देवराज इंद्र और सभी देवताओं को अपना राज्य वापस पाने में मदद की। माँ कालरात्रि आदिशक्ति का रूप है जो दुष्टों का नाश करती है, और इस प्रकार वो क्रूरता का अंत करती है। वो अपने भक्तों के प्रति अत्यंत उदार है और अपने भक्तों के दुखों को दूर करती है। तो आशा करते हैं आप सभी को माँ कालरात्रि की कहानी पसंद आई होगी। तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले शुक्रवार देवी दुर्गा के एक नए कहानी के साथ।